Good morning everyone. Hello. In this video student, we are going to do a exercise. Name of the lesson is Rip and Tinkle. Unit 5, 5th standard. Now, let's we start. Page number 89 in the textbook. Sometimes, second number, sometimes we join two words to make a describing word. For example, Rip was a good-natured man. Everybody liked him. Here are some more describing words. Use them to complete the given paragraph. Long sleeve, high heel, well dressed, open mouthed, sweet looking, odd looking, what type. अभी हम लोग नीचे एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. मिसेस दास हैज ए डेल जॉब इन ए क्लॉथ पार्ट टाइम. Yesterday, an old and odd looking and odd into the shop she was wearing high heels and shoes. I will show her dress, sweet looking. Dog was with her. I want a
long sleeve. Long sleeve shirt for my dog. Shirt for my dog. Please, she said. She said for your dog. Take your textbook and write down. बच्चों आप लोग लिख चुके होंगे. आर यू फिनिश योर राइटिंग? नौ बच्चों पेज नंबर 90, थर्ड वन साइलेंट लेटर्स.
What is common in the following groups of words? First one, knee, knife, not, now. ये के के सब में आया है बच्चों, ये के है ना साइलेंट वर्ड. The letter K is silent. Neighbor, second one, neighbor, daughter, fight, straight. इन सबके अंदर G है, साइलेंट वर्ड है. Third one, honest, honor, honor, और here. सबके अंदर H है ना, साइलेंट वर्ड है. तो चलो बच्चों हम लोग अभी लिखेंगे, ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स. जी एन ए टी साइन, एस आई जी एन साइन. डिजाइन, टंग एंड टिक, टेक्निक, चॉक, हाफ, शुड, विजन, कैस्टल, लिसन. The letter K is silent. Second one, neighbor, यहाँ पे साइन डिजाइन. टंग डिजाइन
from U is silent and T. Chalk. Yes, silent. Half. H-A-L-L. Half. Sure. S-A-O-U-L-D. सब में साइलेंट है. विसल कैस्टल लिसन बच्चों आपको समझ में आया होगा और आप लोग लिख चुके होंगे. बच्चों इसी सेम पेज 90 में फोर्थ क्वेश्चन. रीड द टू पैराग्राफ गिवन बिलो. माय मदर इज ऑलवेज अवे बिफोर एनीवन एल्स इन द फैमिली. आई यूजुअली वेक अप आफ्टर 6 o'clock. आई लॉल अराउंड लेजीली फॉर ए फ्यू मिनट्स देन आई गेट अप एंड गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल. एक स्टोरी की तरह दिया गया है. एट बेड टाइम आई रीड अ स्टोरी बुक. व्हेन आई फील टायर्ड आई लाई डाउन एंड गो टू स्लीप वेरी क्विकली. आई फॉल अस्लीप इन नो टाइम एट ऑल. नो रोमन नंबर 1. नाउ फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ्स एंड कंप्लीट द टेबल. इसके ऑपोजिट वर्ड्स लिखने का है. चलो हम लोग अभी लिखेंगे. Wake up, fall asleep, get up.
लाई डाउन. लेजीली क्विकली यहाँ पे क्या बोलते हैं गेट अप, खड़े हो जाओ. हाँ, गेट ड्रेस्ड, रेस्ट करो क्विकली, जल्दी से. यू विल बी लेट फॉर स्कूल, आप स्कूल को लेट हो जाओगे. बी द बेबी इज now able
नंबर टू गेट इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल नंबर 91 लेट्स टॉक लॉट ऑफ थिंग्स मस्ट हैव हैपेंड इन द विलेज व्हेन ग्रिप वाज अवे इमेजिन Let's talk first one. Lot of things must have happened in the village when Rip was away. Imagine you are the neighbor who greets Rip after 20 years. One student should act as Rip, tell Rip about all that had happened in the village after he left. ये की तरह हम लोग दोनों आपके घर पे भाई बहन कोई भी हो तो रिप का रोल करना टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिज फाइन फैमिली टू हिज फ्रेंड्स टू द अदर विलेजर्स टू द चिल्ड्रन ही प्लेड विथ द चेंजेस इन द विलेज एक्सेट्रा योर टीचर विल गाइड यू मे यू मे स्टार्ट दिस वे गेस व्हाट हैपेंड ऑन The day you left, when you did not come home in the evening, your wife. Now second one. Read the speech bubbles who walks to school most often put them in order यहाँ पे ये बबल्स दिए हुए हैं उसको हम लोग स्टोरी की तरह एक ऑर्डर में लिखने का है चलो John, Arjun, Mimi, Marvin. देखो यहाँ पे रीड करने का अनु आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल आई ऑफन गो बाय साइकिल जॉन आई नेवर वॉक टू स्कूल आई लिव वेरी फार अवे अर्जुन आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल आई लिव राइट ऑपोजिट द स्कूल मिनी I sometimes walk to school. At times I take the bus also.
नाजी आई यूजुअली वॉक टू स्कूल इट्स अ नाइस वे टू स्टार्ट द डे फर्स्ट वन अर्जुन अर्जुन में क्या है आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल आई लिव राइट अपोजिट द स्कूल वो स्कूल के अपोजिट में है इसलिए वो फर्स्ट ही जाएगा अर्जुन इसलिए वो फर्स्ट आएगा सेकेंड वन नाजी आई यूजुअली वॉक टू स्कूल इट्स अ नाइस वे टू स्टार्ट द डे सेकेंड वन थर्ड वन मिनी आई समटाइम्स वॉक टू स्कूल एट टाइम्स आई टेक द बस ऑल्सो फोर्थ वन अनु आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल आई ऑफन गो बाय साइकिल फिफ्थ वन जॉन आई नेवर वॉक टू स्कूल आई लिव वेरी फार अवे ये फर्स्ट वन है ये अर्जुन फर्स्ट वन नाजी सेकेंड वन मिनी थर्ड वन अनु फोर्थ वन जॉन फिफ्थ वन Creative writing. First one, write about yourself using the following expressions. Do you play in the park? Go to bed late? Fuss over food? Study hard, etc. Always, frequently, usually, often, sometimes, early. Rarely. Sorry. For example, I always do my work neatly. First one, example, I always do my work neatly. Page number 92. I visit my grandparents. I often go to the
library, in the afternoon, in the afternoon. क्या है एफर बोलता है लाइब्रेरी इन द आफ्टरनून, वो लाइब्रेरी में आफ्टरनून जाता है, आफ्टरनून में जाता है. फोर, आई समटाइम गो फॉर ए मूवी, गो फॉर अ मूवी. Fifth one, I rarely get up late. Second one, use the following clue to complete the following exercise. Play, stop, buy, learn, see, meet, learn, be, eat, go, travel, start, read, visit. First one, write three new things you have done in the last 3 years. A. I have started learning Sanskrit. L-E-A-R-N-I-N-G learning, S-A-N-S-K-R-I-T Sanskrit. B. I have read many story books. See, I have visited my grandparents every Sunday. Now Roman number second, write three things you have not done in the last 3 years. I have not played cricket.
I have not played cricket B. I have not eaten chocolates. C. यहाँ पे हम लोग जो करते हैं वो दिया गया और यहाँ पे हम लोग जो नहीं करते हैं वो लिखने का दिया गया है। तो बच्चों आज यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।